दोस्तों आपने देखा होगा कि लोगों को अक्सर बुढ़ापे में भूलने की बीमारी से परेशान होना पड़ता है। ऐसे में अगर आप नहीं चाहते कि आपको बुढ़ापे में याददाश्त की कमजोरी या समस्या हो तो आप अभी से कुछ अच्छे शौक पालना शुरू कर दीजिए। वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया है कि जो लोग जवानी में किताबें पढ़ना खेलना और आपसी मेलजोल की आदतों से रहते हैं तो उन्हें बुढ़ापे में दिमाग से जुड़ी परेशानियां यानी याददाश्त कमजोरी नहीं रहती बल्कि दिमाग शक्तिशाली बनता रहता है। इससे डिमेंशिया का जोखिम भी नहीं होता। आपको बता दें कि ये खुलासा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अध्ययन में हुआ है। इसमें बताया गया है कि उम्र के साथ साथ दिमाग का आकार भी छोटा होता जाता है लेकिन कुछ लोगों की स्मरण शक्ति और IQ उम्र बढ़ने के बावजूद अच्छी बनी रहती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि युवावस्था में दिमाग को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने से वह आगे भी लचीला बना रहता है। न्यूरोबायोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन से जुड़े डॉक्टर डेनियस चान का कहना है, हमारा दिमाग कुछ हार्डवेयर के साथ ही शुरुआत करता है लेकिन इसे ज्यादा अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। इसे संज्ञानात्मक रिजर्व कहा जाता है। उनका कहना है कि 35 से 65 साल के बीच आप जो करते हैं उसे 65 की उम्र में बाद डिमेंशिया का जोखिम कम या ज्यादा होता है। वही आपको बता दें कि शोधकर्ताओं ने 66 से 88 साल की उम्र के 205 लोगों के दिमाग का MRI किया। इसके बाद उनका IQ टेस्ट लिया। उसमें ये बात सामने आई। क्यूरियन हेल्थ की रिपोर्ट।